कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है, आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है भोला ब्राह्मण। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे गरीबी में अपना गुजर बसर कर रहे थे। ब्राह्मण हर रोज भिक्षा मांगता और जो कुछ मिलता शाम को ब्राह्मणी को सौंप देता। दोनों के पास रोजगार के कोई साधन नहीं थे, परंतु जो कुछ रूखा सूखा मिलता उसे खाकर गुजारा कर लेते और सुख से रहते। ब्राह्मण अपनी पत्नी का बड़ा आदर करता था। जो कुछ पुरोहिताई करके कमाता था, जो भिक्षा में मिलता, उसे पूरी ईमानदारी के साथ ब्राह्मणी को सौंप देता। वो ईमानदार होने के साथ साथ भोला भी था। ब्राह्मण बहुत शरीफ था, ब्राह्मणी बहुत चालाक थी। वो अपने लिए अच्छा भोजन बनाती और बचा कुचा पति को परोस देती। पति को बड़े प्यार से कहती, पहले आप खा लो, जो कुछ आपसे बचेगा बस उसे प्रसाद समझकर खा लूंगी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो जाता, उसकी सारी थकान मिट जाती। ब्राह्मणी बहुत चतुर और चालाक थी। जब ब्राह्मण भिक्षा मांगने चला जाता, वो अपने लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती और मजे से खाती। जब कभी मन होता तो कुछ काम कर लेती, और जब मन नहीं होता तो घर का काम भी बेचारे ब्राह्मण से ही करवाती। ब्राह्मण को इस बात का जरा भी भान न था। समय बीतता गया, ब्राह्मण भिक्षा मांगकर लाता, खूब परिश्रम करता, शाम को ब्राह्मणी के ताने सुनता, आधा पेट खाकर उठ जाता। बस दो चार ग्रास ही अभी मुंह में जाते तो ब्राह्मणी हर कुछ बोलने लगती। बेचारे ब्राह्मण को भरपेट खाने को भी नहीं मिलता, फिर भी वो अपनी पत्नी के ही गुण गाता रहता। जब भी दो चार लोग इकट्ठे होते, हमेशा ब्राह्मणी की प्रशंसा करता। इस दिनचर्या से ब्राह्मण कमजोर होने लगा और ब्राह्मणी खूब मोटी हो गई। जब ब्राह्मण की हालत बहुत खराब हो गई, वो कमजोर हो गया और अब वो काफी बीमार भी रहने लगा, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्या बात है पंडित जी, आप दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं और आपकी पत्नी खूब मोटी ताजी हो रही है। ऐसा तो नहीं कि आपको भरपेट खाना भी नहीं मिलता? देखो तो सही, इसके जिस्म पर कितनी चर्बी चढ़ती जा रही है, ये तो गोल मटोल हो रही है। लोगों की बातों पर जब ब्राह्मण ने गंभीरता से सोचा और अपनी पत्नी की हरकतों पर भी पैनी नजर रखनी शुरू की, तो उसके मन में धीरे धीरे शक पैदा होने लगा। एक दिन उसने ब्राह्मणी से कहा, आज तुम भी मेरे साथ ही भोजन करो। तब ब्राह्मणी ने कहा, देखो जी, आप मेरे पति हैं, मेरे भगवान हैं, पहले आप खाना खा लो, बाद में मैं भी खा लूंगी। ब्राह्मण ने पत्नी की बात मानकर खाना शुरू किया। बस हर रोज की तरह फिर ब्राह्मणी की टोका टाकी शुरू हो गई। आपका क्या है, हर रोज सवेरे ही निकल जाते हैं और शाम को थोड़ा सा आटा चावल लेकर आ जाते हैं, क्या इतने से घर चल सकता है? तुम्हें तो घर की कोई भी चिंता नहीं है। ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया और थोड़ा सा खाना खाकर उठ गया। ब्राह्मणी मन ही मन बहुत खुश थी। उसने सोचा कि अब ये चुपचाप सो जाएगा और बाकी का बचा खाना वो अकेली खाकर आराम करेगी। परंतु आज ब्राह्मण ने उसके साथ प्यार जताते हुए कहा, भाग्यवान, जरा बर्तन में हाथ डालकर तो देखूं तुम्हारे लिए भी कुछ बचा है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हर रोज खुद खा लेता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ बचता भी है कि नहीं, कहीं तुम मेरे लिए खुद भूखी तो नहीं रह जाती हो। ब्राह्मणी बोली, देखे जी, मेरा धर्म है आपकी सेवा करना, आपके लिए मुझे खुद भूखा भी रहना पड़े तो ये तो मेरा पतिव्रत धर्म है। ब्राह्मण पूरी तरह से सच्चाई को जान लेना चाहता था। उसने बड़ी हिम्मत करके हंडों में हाथ डालकर चावलों को टटोला तो देखा कि चावल तो काफी सारे बचे। ये देख ब्राह्मण ने आज पहली बार पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाई। ब्राह्मणी को भी परेशानी तो हुई, परंतु उसने पति की डांट फटकार को सुनकर भी अनसुना कर दिया। ब्राह्मण नाराज होकर सोने चला गया। आज उसे नींद कहां? उसने सोचा कि लोग ठीक ही कहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे साथ धोखा करती है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी पत्नी हर रोज इसी तरह करती है, मुझसे किसी न किसी बहाने झगड़ा कर लेती है और फिर मेरे सो जाने के बाद खुद भरपेट खा लेती है और मैं रोज भूखा सो जाता हूँ। ब्राह्मण का शक अब यकीन में बदल चुका था। वो उस पर कड़ी नजर रखने लगा। वो हर रोज सुबह अपने काम पर निकल जाता और सांझ ढले घर आ जाता और दिन भर की कमाई अपनी पत्नी को सौंप देता। कहने को तो दोनों पति पत्नी की घर गृहस्थी लोक लाज के डर से ठीक चल रही थी, परंतु मन में इरे के लिए बहुत कड़वाहट थी। ब्राह्मणी उसे लताड़ने की ताक में थी।
एक दिन बाहर कुछ शोर हो रहा था। उसने देखा राजा के सिपाही मुनादी करके सूचना दे रहे हैं, महारानी के गाल पर एक फोड़ा हुआ है जिससे रानी बहुत परेशान है। सभी राजवैद्य, सभी रियासत के नामी ग्रामी वैद्य भी रानी के इलाज की भरपूर कोशिश कर चुके हैं, परंतु कोई भी रानी का इलाज नहीं कर सका। राजा साहब ने घोषणा की है कि जो कोई वैद्य रानी के गाल पर हुए फोड़े को ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। घोषणा सुनकर ब्राह्मणी ने सोचा कि क्यों न वो अपने पति से बदला लेने के लिए उसे वैद्य बनाकर राजा के यहाँ भेज दे, क्योंकि उसको वैद्य का काम तो आता नहीं है। जब उससे रानी का इलाज नहीं हो पाएगा तो राजा के सिपाही उसे मरवा देंगे। ये सोचकर वो तुरंत राजा के सिपाहियों के पास गई और बोली, दरोगा जी, मेरे पति एक माने हुए वैद्य हैं। उन्होंने कई ऐसे बीमारों को ठीक किया है जिनको कोई भी दूसरा वैद्य ठीक नहीं कर सका। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, मेरे पति बहुत शर्मीले स्वभाव के हैं। वो आपके साथ जाने को तैयार नहीं होंगे और वो ये भी कहेंगे कि उनको वैद्य का काम नहीं आता। परंतु आप उनकी कोई बात मत मानना और उनको जोर जबरदस्ती ले जाना। राजा के सिपाही ब्राह्मण के घर में बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगे। सायंकाल ब्राह्मण घर पहुंचा। अपने घर पर पुलिस देखकर वो बुरी तरह से घबरा गया। पहले तो उसने सोचा कि हो न हो कहीं मेरी पत्नी ने ही मेरे खिलाफ कोई शिकायत न कर दी हो। फिर उसने सोचा कि अब तो पुलिस ने मुझे देख लिया है, पुलिस से भागकर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। चलो घर में चलकर देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। आंगन में पैर धरते ही ब्राह्मण को राजा के सिपाहियों ने दबोच लिया। इतने में उसकी पत्नी भी वहां आ गई। पत्नी के हाव भाव देखकर ब्राह्मण को ये समझते देर नहीं लगी कि ब्राह्मणी ने कुछ चाल चली है। ये किसी तरह मुझे फंसाकर अपना बदला जो लेना चाहती है। सिपाही ने कहा, वैद्य जी, आपको अभी हमारे साथ राजमहल चलना होगा। महारानी के गाल पर एक फोड़ा हुआ है। राजवैद्य और कई नामी ग्रामी वैद्य रानी का इलाज कर चुके हैं, परंतु किसी से भी अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ। हमने आपकी बहुत प्रसिद्धि सुनी है। हाँ, आपकी पत्नी भी आपकी तारीफ कर रही थी कि आप तो पहुँचे हुए खानदानी वैद्य हैं। आपने इस तरह के कई रोगी चुटकी में ठीक कर दिए हैं। आपके हाथ में कमाल का जादू है। चलो हमारे साथ राजमहल में महारानी का इलाज करने। ब्राह्मण बेचारा डर के मारे कांपते हुए बोला, आपको जरूर गलतफहमी हुई है सरकार। मैं एक पंडित हूँ, वैद्य नहीं। भिक्षा मांगकर दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ। दवाई और बंदगी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। दूसरा सिपाही बोला, जनाब, इसकी ब्राह्मणी पहले ही बोल रही थी कि ये साथ जाने के लिए मना करेगा। देखो तो सही कैसे नानुकोर कर रहा है। चलो घसीट कर ले चलो इसको, ये ऐसे नहीं मानेगा। ब्राह्मण डर गया। बेचारा ब्राह्मण मजबूरी में राजा के सिपाहियों के साथ चलने को तैयार हो गया। उसने सोचा कि ऐसे भी जीने में कौन सा मजा है। हर रोज तिल तिल कर मरने से अच्छा है कि एक बार में ही राजा के हाथों बहादुरी की मौत मारा जाए। ब्राह्मणी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अब वो अपने घर में अपनी तरह से रहेगी, अपनी मर्जी से हर काम करेगी, उसको टोकने वाला कोई न होगा। कई दिनों से इकट्ठा की गई चीजों का इस्तेमाल मन मर्जी से करेगी, खूब खाएगी और मजे करेगी। राजा के सिपाही ब्राह्मण को साथ लेकर राजमहल जा पहुंचे। उन्होंने ब्राह्मण को राजा के सामने पेश करते हुए कहा, महाराज, ये वैद्य अपने काम में खूब माहिर है, हम इसे आपकी सेवा में लेकर आए हैं, आप आदेश करें। राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और उसे रानी के महल में ले जाकर रानी का गाल दिखाया जिस पर फोड़ा था। फोड़े की भयंकर दर्द से रानी का जीना दुभर हो गया था। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं कल सुबह से ही रानी का इलाज करना शुरू करूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और उसके रहने तथा बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए अपने सेवकों को आदेश दे दिया और सख्त हिदायत दी, ये वैद्य जी हमारे खास मेहमान हैं, इनको किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राजा की आज्ञा के अनुसार राज सेवकों ने ब्राह्मण की बहुत अच्छी देखभाल की और सुनहरा पलंग सोने को दिया। भोजन आदि के बाद ब्राह्मण अपने कमरे में सोने चला गया और सिपाही भी आराम करने चले गए। ब्राह्मण पलंग पर लेट तो गया, परंतु आंखों में नींद कहाँ। कभी सोचता कि चलो भगवान का शुक्र है कि मरने से पहले एक रात के लिए राजमहल का अतिथि तो बना दिया, नहीं तो गरीबी में भीख मांगता हुआ ही मर जाता। थोड़ी देर बाद सोचता, काश
उसकी पत्नी भी उसके साथ यहाँ होती, वो भी एक रात के लिए राजा की मेहमान बनकर स्वर्ग का सुख भोगती और हम दोनों आज की रात इस महल में एक साथ होते तो शायद हमारा मनमुटाव दूर हो जाता। शायद वो मुझे मन से चाहने लगती। फिर सोचता, मैं भी तो बेवकूफ हूँ, जिस पत्नी की जालसाजी का शिकार होकर मैं यहाँ मौत के मुंह में फंस गया हूँ, उस बेवफा के सुख और आराम के बारे में सोच रहा हूँ। वो तो आज अकेले में खूब खा पी कर मजे कर रही होगी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। रात को सपनों में कभी वो राज्य अतिथि बन जाता तो कभी अपने को मौत के करीब पाता। कल सुबह हो गई, कुछ पता नहीं चला। सुबह होते ही राजा के सेवकों ने उसे जगा दिया और उसकी खूब आव भगत करके रानी के सामने पेश कर दिया। उसे दवा दारू का तो कोई ज्ञान था नहीं, उसके सामने अजीब सी स्थिति थी। इलाज करने से मना करता है तो मौत निश्चित है और इलाज करना तो उसके बस की बात नहीं। बहुत सोच विचार के बाद उसे बचपन में नानी दादी से सुनी हुई एक कहावत याद आ गई। उसने गांव में कई वैद्यों को इलाज करते हुए भी कई बार देखा था। वो चमर भुट्टा लेकर रानी के सिर और गालों पर घुमाने लगा। वो साथ साथ जो मंत्र याद था वो भी बड़बड़ाने लगा। वो बार बार मंत्र बोलता रहा और रानी उसे बड़े ध्यान से सुनती रही। वैद्य की अजीबोगरीब हरकतों और मुद्राओं को देखकर अचानक रानी को हंसी आ गई। रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी, जोर से हंसी मारकर हंसने से रानी के गाल का फोड़ा फूटा। फूटते ही फोड़े का मवाद बाहर आ गया। रानी का दर्द कम हो गया और अब धीरे धीरे फोड़ा भी ठीक होने लगा। वैद्य के इस चमत्कार से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खुश होकर कहा, वैद्य जी मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ, कहिए आपकी क्या इच्छा पूरी करूँ। आपको मैं मुंह मांगा इनाम देने का वचन देता हूँ। राजा ने मंत्री को आज्ञा दी कि इनकी हर इच्छा पूरी की जाए। मंत्री ने वैद्य को पूरे राजमहल में घुमाया परंतु ब्राह्मण को कोई भी चीज पसंद नहीं आई। ब्राह्मण ये चाहता था कि इससे पहले कि कोई और मुसीबत खड़ी हो जाए उसे शीघ्र ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। मंत्री ने राजा को बताया कि वैद्य जी अपने आप कोई भी चीज लेने के लिए तैयार नहीं है। राजा ने सोचा कि ये ब्राह्मण वैद्य संकोची स्वभाव का लगता है, ये स्वयं कुछ नहीं मांगेगा। अतः राजा ने आदेश दिया कि इसे राजकोष से बहुत सारा धन देकर आदर के साथ विदा किया जाए। ब्राह्मण को इतना धन दिया गया जितना उसने कभी देखा भी नहीं था। जब ब्राह्मण धन सहित वापस पहुंच गया तो ब्राह्मणी हैरान हुई। उसने ये भी देखा कि ब्राह्मण तो अब धनवान हो गया है तो उससे क्षमा मांगने लगी। ब्राह्मण को ब्राह्मणी के प्रति प्रेम तो था ही, वो पहले भी कई बार उसकी गलतियों को क्षमा कर चुका था। उसने ये भी सोचा सारा झगड़ा हमारी गरीबी का ही था। अतः उसने ब्राह्मणी को गले लगाया और दोनों आराम से रहने लगे। कहते हैं कोई कितना भी झूठा और कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर खुद को बीमार कर लेना ये समझदारी नहीं मूर्खता होती है। सुनते रहो दिल से यही कहानियां आपकी हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।